बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोग्रेसिव मॉडल स्कूल मेन कैंपस, क्लास 6, सब्जेक्ट इज साइंस एंड पार्ट 8। यूनिट नंबर 1 है हमारा, यूनिट नंबर 1 फूड, टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ओके स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता दिए थे, ठीक है। आज हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को करने लगे हैं, ठीक है। अगर आपने ये मार्च के काम में आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए गए थे, अगर आप में से किसी ने ये क्वेश्चन अभी तक अपनी नोटबुक्स पर नहीं किए, तो काइंडली यहाँ से फॉलो करके आप लोग अपनी नोटबुक्स पर ये क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 इज़, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का क्या काम होता है। ओके जी, लेट्स हैव अ लुक ऑन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फर्स्ट, कार्बोहाइड्रेट्स आर द एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमें, ठीक है, एनर्जी देने वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होते हैं। वी गेट कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम फूड लाइक राइस, ब्रेड, पोटैटोज, रोटीज एंड शुगर। हम कार्बोहाइड्रेट्स राइस में हासिल कर सकते हैं, राइस से, ब्रेड, पोटैटो, रोटीज एंड शुगर से हम कार्बोहाइड्रेट हासिल कर सकते हैं, ठीक है। द बिगेस्ट पोर्शन ऑफ आवर रेगुलर डाइट कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हमारे पोर्शन का, हमारी जो रेगुलर डाइट होती है उसका सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स बर्न टू गिव अस एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स जलने के बाद यानी हमारे जिस्म में यूटिलाइज होने के बाद, बर्न होने के बाद हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ओके जी, ये था वो फंक्शन कार्बोहाइड्रेट्स का जो हमारी बॉडी में परफॉर्म करता है, यानी कि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये हम कौन सी खुराक से हम हासिल कर सकते हैं, हम राइस, चावल, ब्रेड, पोटैटो, आलू, ठीक है, आलू से, रोटी में, ब्रेड में और चावल में कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी क्वान्टिटी में मौजूद होते हैं। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन्स आर नेसेसरी टू हेल्प द बॉडी टू ग्रो एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। प्रोटीन्स हमारे जिस्म को बढ़ने के लिए और स्ट्रॉन्ग, मजबूत रहने के लिए हेल्पफुल होते हैं। दे हेल्प रिपेयर एनी डैमेजेस इन द बॉडी। हमारी बॉडी में जो भी डैमेजेस होते हैं उनको ये रिपेयर करते हैं। प्रोटीन्स आर मेड ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है, प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनते हैं। वी गेट प्रोटीन्स फ्रॉम फूड लाइक मीट, फिश, एग, पल्सेस एंड सम ड्राई फ्रूट्स। हम प्रोटीन गोश्त से हासिल करते हैं, मछली में प्रोटीन होता है, अंडों में, दालों में और कुछ ड्राई फ्रूट्स में भी प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन्स फॉर्म द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ लिविंग, दैट इज़ वाई प्रोटीन आर एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आर डाइट। प्रोटीन हमारी जो, हमारे जिंदा रहने के लिए एक बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है, ठीक है, इसी वजह से ये हमारी डाइट का एक लाजमी जुज़ है। प्रोटीन हमारे जिस्म में रिपेयरिंग का काम करता है, यानी हमारे जिस्म के जो सेल या जो टिश्यू डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करने में प्रोटीन हेल्पफुल होता है, ठीक है, दैट्स वाई हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 इज़, व्हाट इज़ द रोल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स का क्या रोल है। थो रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज़, विटामिन्स आर असेंशियल टू इंश्योर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। अगरचे हमें विटामिन्स बहुत कम क्वान्टिटी में, बहुत थोड़ी क्वान्टिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, हमें हमारे जिस्म को विटामिन्स की ज़रूरत बहुत थोड़ी क्वान्टिटी में होती है, लेकिन फिर भी हमारे जिस्म का काम, हमारी बॉडी को अपना तमाम काम प्रॉपर तरीके से करने के लिए इनकी ज़रूरत होती है, ठीक है। बेशक हमें विटामिन्स की स्मॉल क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है, लेकिन ये हमारे जिस्म को हेल्पफुल होते हैं, हमारे जिस्म के लिए, कि वो अपने फंक्शंस को प्रॉपर परफॉर्म कर सकें। ओके जी, देन है हमारे पास मिनरल्स। लाइक विटामिन्स, मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन द बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटीज़। विटामिन्स की तरह मिनरल्स भी हमारी बॉडी को बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, यानी कुछ मिकदार में हमारे जिस्म को प्रोवाइड ज़रूरत होते हैं। ऑल ऑफ देम हैव पर्टिकुलर फंक्शंस टू परफॉर्म इन द बॉडी। उन तमाम मिनरल्स का एक ख़ास काम है जो वो बॉडी में परफॉर्म करते हैं। मिनरल्स और विटामिन्स के बारे में मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियोज़ दिए हैं, जिनमें लेक्चर दिए हैं, उनमें मैंने आपको काफ़ी डिटेल में मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में आपको बताया था कि उनका हमारे जिस्म में क्या काम होता है और उनकी एब्सेंस से या उनकी डेफिशिएंसी से हमें कौन सी डिजीज़ का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो विटामिन्स और मिनरल्स दोनों हमें बहुत स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, बट हमारे जिस्म को अपना काम प्रॉपर तरीके से करने के लिए दे आर वेरी एसेंशियल। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 इज़, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रफेज। रफेज से आपको क्या समझ आता है। रफ
क्या होता है, देखो हमारे पास एक रफ होता है, वो चीज़ जो कि हमारे इस्तेमाल में ना हो, ठीक है, एक रफ चीज़ हो गई हो, ख़राब हो गई हो या रफ हुई हुई हो। यहाँ पे अब हमें रफ से क्या मुराद है, अ कंपोनेंट्स इन फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, फूड का वो कंपोनेंट जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है, हमारे फूड के जो हमारा फूड डाइजेस्टेबल होता है वो नहीं, जो हमारा अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है हमारे फूड का वो उसको हम रफिज कहते हैं, दिस इज़ रफिज और फाइबर, हमारे फूड का वो कंपोनेंट जो के डाइजेस्ट नहीं हो सकता उसको हम रफिज या फाइबर कहते हैं, दिस हेल्प अस टू डाइजेस्ट आवर फूड एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। ये क्या काम करता है, ये हमारे खुराक को हजम करने में मदद देता है, ठीक है, और हमें कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन होता है कब्ज, ठीक है, ये हमें कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, ठीक है। तो हमारे फूड का वो पार्ट, वो कंपोनेंट जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता उसे हम फाइबर या रफिज कहते हैं, और ये हमारे जिस्म में हमारे फूड को हेल्प करने के लिए हेल्पफुल होता है और हमें कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करता है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 इज़ डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेजिटेबल फैट एंड एनिमल फैट। एनिमल फैट और वेजिटेबल फैट के बीच में डिफरेंट बताना है, डिफरेंस आपने बताना है, ठीक है। तो वेजिटेबल फैट क्या होती है, विच इज़ फाउंड इन ऑयल्स मेड फ्रॉम प्लांट्स सच एज कोकोनट, मस्टर्ड एंड ग्राउंडनट। वो ऑयल जो हम प्लांट से हासिल करते हैं, जैसे कि कोकोनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है एंड ग्राउंड नट है, वो हमारा वेजिटेबल फैट कहलाता है। और एनिमल फैट क्या होता है, एनिमल फैट वो फैट है विच इज़ फाउंड इन मिल्क प्रोडक्ट सच एज बटर एंड मीट एंड फिश। वो फैट जो हमें मिल्क या उसकी तैयार करदा चीज़ों से पाए मिलता है, ठीक है, वो एनिमल फैट कहलाता है। इसके अलावा मीट और फिश से भी जो फैट हमें हासिल होता है वो एनिमल फैट कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन और प्रीवियस लेक्चर के शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपने ये अपनी नोटबुक्स पर नहीं किए तो अपनी नोटबुक्स पर इनको अटैम्प्ट कर लें। तो इंशाल्लाह अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।